जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, एक रात में दो घटना से पता चल गया। जहां पे पहले तो पुलिस अधीक्षक के साथ मारपीट और दूसरी घटना लाडली लक्ष्मीपत मार्ग में बस ऑपरेटर से लूट हुई है। मारपीट कर 5,000 रुपये छीन ले गए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत लाडली लक्ष्मी पथ पर बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट कर करीब दर्जन भर की संख्या में बदमाशों ने 5,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। इस पूरी वारदात को लेकर गौतम ट्रेवल्स के परिचालक राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे कटनी से रीवा बस लेकर आए थे, जहां पेट्रोल भरवाने के लिए लाडली पथ मार्ग से रतन नगर की ओर बस लेकर जा रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय विद्यालय चौराहे के समीप 4-5 की संख्या में अज्ञात युवक आए और बस को रोक लिया, जिसके बाद गाली गलौज करते हुए चालक और परिचालक के साथ मारपीट की गई और 5,000 रुपये रखे हुए हिसाब के वो भी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मारपीट हुई है, क्या मामला क्या है? सर, हम लोग कटनी से आए हैं, बस स्टैंड में गाड़ी खड़ी की है, काम वाम कराए, गाड़ी चेक कराए, आए कनौडिया में डीजल डराए। करीब 6:30-7 बजे के समय हो रहा था, हमने वहाँ से जा रहा था, रतन नगर हम लोग जा रहे थे, गाड़ी हमारी जा रही थी रतन नगर स्कूल के पास, एक स्कूटी वालों ने साइड मांगी, ड्राइवर साहब जो थे उन्होंने साइड दिया, आगे लगे जाके वो लगाए साइड में गाड़ी, बोले भैया साइड क्यों नहीं दे रहे हैं, दाहिने साइड बस खड़ी थी, बाएँ साइड गिट्टी पड़ी थी, वहाँ साइड नहीं दे पाए, चौराहे में आगे गए तो साइड दे दिए। उनसे बातचीत हुई, वो भैया चले गए, स्कूटी वाले बच्चे बैठाए थे वो चले गए, 3-4 लड़के आए वो लोग मारने पीटने लगे, बोले बस वाले बदतमीजी करते हैं, ऐसा करते नहीं, मारने पीटने लगे, ड्राइवर साहब को मारे, हम लोग बोले भैया क्यों मार रहे हो, हम हिसाब बना रहे थे, हमारा कैश लेके भाग गए, मारे पीटे हमको भी मारे, 5,000 रुपये। ये क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। कौन सी गौतम बस है, रीवा से कटनी चलती है। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं? जी, रतन नगर में खड़ी करते हैं, वहीं रहते हैं। कितने बजे घटना हुई है? करीब 7:45 रहे होंगे, 6:30। शकल से पहचान लेंगे, नाम किसी का नहीं जानते। कितने लोग थे? वो लोग मारने पीटने में 10-12 लड़के हो गए थे, वही खड़े थे जी। घटना कहाँ पास हुई है? यहीं केंद्रीय विद्यालय के पास चौराहे पे।